हाँ गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई अपनी अप्रिलिया का भाई एक्सीडेंट हो गया, और वो भी भाई हाईवे में। एक्चुअली लंगूर आ गया था, तो उसका बाल अभी तक लगा हुआ था टायर में, तो लंगूर आ गया था। इसके कारण भाई मैं गिर गया, वो भी बाइक पूरी राइट साइड में गिरी है। लगभग लगभग 20 मीटर तक भाई बाइक घिसटी होगी, और फिलहाल मैं जैसे तैसे बचा हूँ भाई। बस लेफ्ट हैंड थोड़ा सा फ्रैक्चर है, और भाई थोड़ा बहुत छिला विला है। सेंस में मतलब 0.0 सेकंड में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बड़ा लंगूर था, ऑब्वियसली इम्पैक्ट एकदम टायर पे हुआ और इस जगह पे, और सोचो वो पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। तो डिसबैलेंस होने के कारण भाई बाइक गिर गई, और बाइक राइट साइड में गिरी। बाइक एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, मैं समझ गया था कि भाई अब हो गया कांड। तो मैंने क्या किया, बाइक पूरी छोड़ दी थी, और बाइक आ गई थी, और मैं पीछे लौट रहा था, लौट लौट के गिर रहा था, और मैं अपना सर बचा रहा था, ठीक है। और ये इंसिडेंट जो है वो भी लोकल में हुआ है, मतलब कि घर से बस 1 किलोमीटर दूरी हाईवे पे। तो आप समझ सकते हो कि भाई किस्मत कितनी ख़राब होती है। फिलहाल जो लाते वो टल चुकी है। फिलहाल तो बाइक का नुकसान आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई टोटल लॉस मतलब क्या क्या चीज़ का हुआ है, और फिलहाल मैंने क्या शोरूम में बात करी है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ भाई। देखो तो मैं गाड़ी जो गिरी है हमारी भाई, अब मैं क्या बताऊँ, मैं स्पीड के बारे में बोला कि भाई 100 के आसपास होगी या 120 जो भी होगा, कुछ कह नहीं सकते उस टाइम में, कौन नोटिस करता है इतना। तो भाई अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी पूरी राइट साइड में गिरी है, पूरी लगभग 20 मीटर गाड़ी घिसी हुई है, आगे तक गई है, और मैं तो पीछे था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले जो इम्पैक्ट हुआ वो भाई यहाँ पर हुआ, राइट साइड में। फ्रेम स्लाइडर जो है आर्किटेक पार्ट्स का काफ़ी मजबूत है। आप देखो इसकी भाई कंडीशन देखो, चेक करो आप, अंदर का पूरा जो वो है वो पूरा मतलब टेढ़ा हो गया है, और ये पूरा घिस चुका है। तो इससे गाड़ी की बॉडी काफ़ी बची है, बॉडी की चेसिस काफ़ी बची है भाई। एल्यूमिनियम जो है वो अगर हो जाता, और भाई क्या पता ये भी भाई फट जाता, ये चीज़ जो देख रहे हो आप इंजन भाई, तो इसमें भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ इसी में हुआ है। उसके बाद में ये हैंडल पे लगा है, हैंडल भाई देखो लूज़ हो चुका है। हैंडल लाके दिखाना एक बार, हाँ ये देखो हैंडल, आप देखो ये लूज़ हो चुका है। तो वैसे बोल्ट टाइट है, आई थिंक बोल्ट ढीला हो गया होगा। तो ये सब फिलहाल चेक करेंगे, फिलहाल मिस्त्री से भी चेक करेंगे कि भाई टी तो टेढ़ा नहीं हुआ है, और शॉकर का भी देखेंगे कि भाई कुछ शॉकर पे इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है। तो फ्रंट मेन चीज़ क्वालिटी आपको बता दूँ भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी अप्रिला की एक चीज़ बेहतर लगी मुझे कि भाई इम्पैक्ट होने के बाद भी वाइज़र खाली टूटा, ये पार्ट नहीं टूटे, ये पार्ट देख रहे हो आप। तो गाइस ये पार्ट जो है ये नहीं टूटा, बॉडी पार्ट मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं टूटा। उसके बाद इतना तगड़ा इम्पैक्ट होने के बाद रोड में गिरी गाड़ी पूरी, ये पूरी टेढ़ी हो गई है भाई। ये भी आपको पता है ये CNC में होता है, मिरर पूरा टेढ़ा हो गया, लेकिन भाई निकला नहीं, जो क्या पता इसका उखड़ के निकल जाता बाकी बाइकों में, लेकिन अप्रिलिया में भाई निकला नहीं। फिलहाल वाइज़र अलग हुआ है, वही बोल्ट इसी में फिक्स है देखो, तो वाइज़र अलग हुआ है, पार्ट नहीं टूटा इसका। तो फ्रंट का ये चीज़ मुझे थोड़ा ठीक लगा अप्रिलिया का बिल्ड क्वालिटी। और मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर देखो, तो फ्रेम स्लाइडर जितना घिसा उसके बाद में क्या है, बॉडी यहाँ पर घिसी है, ठीक है, बॉडी यहाँ पर घिसी है। और इसके बाद नीचे देखो आप फ्रंट फोर्क बॉबिन ने क्या बचाया भाई, अपना बहुत बचाया फ्रंट फोर्क बॉबिन ने भाई, सॉकर में लगाने पूरा ये घिस चुका है और ऊपर बैंड हो गया है। आप यहाँ से इस एंगल से देखो तो ऊपर बैंड हो चुका है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हुआ है राइट साइड में तगड़ा, और हैंडल का भाई ये चीज़ अपनी ब्रेक लीवर है, ये घिस चुकी है, ठीक है, ये घिस चुकी है, और यहाँ का लीवर प्रोटेक्टर था जो वो पूरा तरह टूट चुका है। टैंक में ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप चेक करोगे टैंक में हल्का सा पता नहीं ये स्क्रैच लग रखा है, तो इतनी दाग थोड़ी बहुत पता नहीं टैंक चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो तो बाकी बात है, चलो हम सोचेंगे उस चीज़ को। तो ये राइट साइड का जो पार्ट है ना वो भी मतलब पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ, आप देखो यहाँ से देखो तो पूरा आप ये पार्ट पूरा बचा हुआ है, बस ये घिसा हुआ है, ठीक है। नीचे का जो पार्ट है वो टूट गया है, यार देखो नीचे का ये पार्ट टूट चुका है। और जो भाई ये जो है जिसमें हम अपना फुटरेस्ट रखते हैं वो थोड़ा सा क्या है भाई, ब्रेक के कारण बैंड हो चुका है उस साइड, राइट साइड थोड़ा बैंड हो चुका है वो, मतलब इतना तो बैंड नहीं हुआ, लेकिन ये जो ब्रेक है ना भाई ये हो चुका है ढंग से घिसा हुआ है, पूरी तरह बैंड हो चुका है। तो शुरू शुरू में तो ब्रेक पूरा जाम हो चुका था। तो फिलहाल जैसे तैसे इसको चला के घर में लेके आए हैं, और भाई नुकसान थोड़ा एग्जॉस्ट में हो चुका है अपना SCS1R में, आप चेक करो यहाँ पर पूरा घिस चुका है, पूरा एग्जॉस्ट की कंडीशन ऐसी बुरी हो चुकी है, और यहाँ से भी हल्का सा एयर लीक कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट के कारण जो भी नुकसान हुआ वो राइट साइड में हुआ, लेकिन बहुत सारा इम्पैक्ट भाई फ्रेम स्लाइडर ने झेल लिया। आर्किटेक्ट का जो आर्किटेक्ट पार्ट्स का फ्रेम स्लाइडर सच में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब मैंने सोचा नहीं था ना, जिस हिसाब से बाइक की वेट है और जिस हिसाब से बाइक गिरी है स्पीड में और भाई घिस के गई है काफ़ी आगे तक,
तो उस हिसाब से भाई इसने बहुत सारी चीज़ को झेल लिया और बहुत सारी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया। क्योंकि यार जितना ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट होता है, जितना बड़ा नुकसान होता है, उतना ज़्यादा भाई अपने नुकसान है, अपनी बाइक के लिए नुकसान है, मतलब उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो अभी तो फिलहाल क्या है, कंडीशन ऐसी भी है, बता रहा हूँ, देखो हल्का सा हैंडल अगर ये लूज़ हुआ है और ये हुआ तो बाइक चल रही है, इट मीन्स बाइक चालू कंडीशन में है भाई। तो फिलहाल ये इंसिडेंट हुआ है और मैं आपको बता दूँ अभी फ़िलहाल एक क्या हो रहा है ना, एक चीज़ हो रहा है बस कि हैंडल ना इम्पैक्ट राइट साइड पड़ा है, तो पूरा इधर 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 हाँ पूरा मोड़ो पूरा मोड़ो। हाँ ये देखो ये लग रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसे ये करीबी होता है पर लेकिन अभी लग रहा है। तो देखो गाड़ी जब गिरी है, तो जब गाड़ी जब गिरी है ना, तो ये जो पूरा है ऐसे ऐसे इसको झटका लगा होगा, इस साइड झटका लगा होगा, जिसके वजह से ना उसका ना थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलाइनमेंट उसका हल्का सा बिगड़ चुका है। लेकिन गाड़ी शॉकर वॉकर सब कुछ ठीक है, चेक कर लिया हमने, देख करके बैठ करके देख लिया। तो अब हमने नोटिस किया कि क्या है कि यहाँ पर इसको सीधा करना बेटा। देखो अब हमने नोटिस किया कि अंदर में जो गाड़ी को हैंडल को रोकता है लास्ट मोमेंट जितना तक एंगल में जाना चाहिए मोड़ पे, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है बैंड हो चुका है, या फिर थोड़ा सा जो है वो अपने जो चेसिस फ्रेम में लगता है वो चीज़ थोड़ी सी घिस चुकी है, मतलब दब गई है, बैंड हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंट इधर ज़्यादा हो रहा है। बाकी तो देखो आप ये चीज़ चेक करो, अब ये सेम जो स्पोर्ट लगा हुआ था वो भी स्पोर्ट में लगा हुआ है, ये बोल्ट मुझे पता नहीं ये क्या हो गया, या लूज़ हो गया है क्या है, बाकी सारे चीज़ सेम स्पोर्ट पे, इधर कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस टैंक में ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, पीछे का उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट साइड में बस ये एग्जॉस्ट थोड़ा सा अंदर घुस गया था बिकॉज ये बैंड हो गया था जिस हिसाब से बाइक गिरी है ना, तो और लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अप्रिया ने भाई मुझे खुश कर दिया कि भाई इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब झटका वटका लगे हर चीज़ लगे तो उस हिसाब से क्या होता है पार्ट्स वगैरह से टूट जाते हैं, हेडलाइट निकल जाता है, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पर भी लगी है हेडलाइट में, आप देखो यहाँ पर भी लगी है, तो ये भी घिस चुका है लेकिन ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हिल रहा है, बस राइट साइड में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ इसी जगह पर हुआ है, और अगर चेंज होगा क्लेम करूँगा मैं तो वो राइट साइड का पैनल ही मेन चेंज होगा, वो भाई जो अपना ब्रेक वाला है ना जिससे ब्रेक मारते हैं फुटरेस्ट वो चीज़ होगा। अब फिलहाल एक दो चीज़ और चेक करनी है कि इसकी अलाइनमेंट ना बिगड़ी हो और डिस जो अपना वो क्या बोलते हैं प्लेट है उसमें कुछ ना लगा हो ना बैंड ना हो, वो सब चीज़ चेक करनी है। फिलहाल देखते हैं धीरे धीरे करेंगे सारी चीज़, पहले तो स्थिति से धीरे धीरे सुधर जाए। तो बस आप लोग के साथ में वीडियो लाने का मकसद ये था कि भाई यार एक बार आप लोग को बता दूं कि देखो अप्रिया गिरी है और चलो बाय चांस किसकी गलती इसमें किसी की भी नहीं कह सकते हैं, अब गिर जाती है बाइक तो यार अचानक कुत्ता जाता है भाई गाय आ जाती है वो तो गिरता है अगर लग जाता है तो, अगर आप बाय चांस नॉर्मल स्पीड में भी होते हो कभी भी अचानक आ जाता है तो गिरा ही देता है वो, तो उसमें तो बोले आप चलो यार बला थी चलो टल गया अच्छा ज़्यादा चोट नहीं लगी थोड़ा बहुत फ्रैक्चर ही हो रखा है, तो वो तो बात अलग है ठीक है। अब बाइक का काम क्या करना है, बाइक को भाई देहरादून में भेजना पड़ेगा अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है, पहले तो पार्ट्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे कि क्या क्या पार्ट्स है, अब पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाना पड़ेंगे क्या क्या पार्ट्स डैमेज हुआ है, उसके बाद उस पार्ट्स को हमें क्लेम करना पड़ेगा ठीक है। तो ये तो क्वालिटी आपको बता दी कि बाइक पूरी की पूरी ओके है, मतलब एक्सीडेंट होने के बावजूद तगड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी बाइक की कंडीशन मतलब ऐसे नहीं कि पार्ट्स अलग हो रखे हैं या कुछ हो रखे हैं ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कुछ ज़्यादा इतना नुकसान नहीं हुआ है। फ्रेम सिलेंडर ने बहुत सारी चीज़ झेल ली, क्या पता फ्रेम सिलेंडर ना होता तो पूरे पार्ट्स के चिथड़े हो जाते राइट साइड में, अगर गिरता तो क्या पता इंजन भाई हमारा जो यह है वो फट जाता भाई, क्या पता टैंक लग जाता, बहुत सारी चीज़ें होती ना, तो फ्रेम सिलेंडर का बहुत फ़ायदा है ये मुझे पता चला है क्योंकि आज तक मैंने फ्रेम सिलेंडर लगाया नहीं था भाई अपनी R15 वगैरह जो भी ये GT वगैरह में भाई नॉर्मल गार्ड वगैरह होते हैं, लेकिन स्पोर्ट बाइक में भी भाई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये मानना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है अपनी बाइक के साथ में, फिलहाल इसको जितना जल्दी हो सके सही कराने की कोशिश करेंगे, अपने आप एक बार सही हो जाए फिर इसके बाद सारा काम करेंगे। और नीचे वाला पार्ट जो है ना उठ के भाई इस साइड आ चुका है थोड़ा बहुत, देखो आप तो ये सब चीज़ें लगी हैं, अभी तो धीरे धीरे पार्ट खुलेगी तो वो भी पता चलेगी भाई अंदर तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है भाई मुझे तो, बाकी तो गाड़ी चला के देखा था रेडिएटर वगैरह में, मुझे लगता नहीं कि कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, और बाकी चेक करना हमारा फर्ज बनता है सारी चीज़ें ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड राइड सेफ।